खबर भगवानपुरा से। क्षेत्र में लगातार अवैध हथियारों का कारोबार चल रहा है, जिसमें जिले के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में लगातार कार्रवाई की जा रही। इस कड़ी में सोमवार रात्रि 8:30 बजे भगवानपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धुलकोट के नवलपुरा स्थित स्टेडियम के पास टपरी में हथियार का जखीरा पकड़ा। थाना प्रभारी विश्वेश्वर करील ने बताया, मुखबिर की सूचना पर नियत स्थान पर जाकर जहां पर स्टेडियम की दीवार के आड़ से देखा, एक व्यक्ति मुखबिर के बताए मुताबिक खड़ा देखा। पुलिस टीम की मदद से पकड़ा आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रमेश पिता चतर सिंह जाति सिकलीगर उम्र 19 साल निवासी पाचोरी थाना खकनार जिला बुरहानपुर हाल मुकाम नवलपुरा धुलकोट का होना बताया। तलाशी लेने पर एक बनी हुई देशी पिस्तल मिली, पुलिस ने जब्त कर पंचनामा बनाया। आरोपी की गिरफ्तारी हुई। हथियार के संबंध में पूछताछ करते हुए हथियार रखने का कोई दस्तावेज नहीं मिला। बाद में पूछताछ करने पर हथियार स्वयं के द्वारा बनाना बताकर उक्त सामग्री धुलकोट के एक टपरी में होना बताया। टपरी के अंदर से प्लास्टिक की थैली में 3 अधबनी पिस्तौल एक बनी हुई पुलिस ने पिस्तौल 2 लोहे के छुरे पिस्तौल बनाने की सामग्री जब्त कर आरोपी को थाने ले आए। उसे कोर्ट पेश कर जेल भेजा। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही। कार्रवाई में SI रमेश भास्करी, BL मोरे, ASI सुखलाल चौहान, राजेंद्र त्रिवेदी, नाथुराम यादव, आरक्षक रोहित पटेल, मोनू कछवाए, ऋषिकेश शर्मा, आकांक्षा आदि का सराहनीय रहा योगदान। अवैध हथियार निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री पुलिस ने जब्त की, जिसमें एक पंखा, एक बनी हुई पिस्तौल, 3 अधबनी, 1 पिस्तौल, आरी पत्ता, छतरी में उपयोग किए जाने वाले रॉड, ग्लैंडर मशीन, 3 कानस, 2 छुरी, संदासी, 2 हथौड़ी, पेचिस, पिस्तौल में उपयोग किए जाने वाले 2 फरमे, पीतल, छेनी, कोयला आदि सामग्री जब्त की। जब्त सामग्री की कुल कीमत 30,000 रुपये बताई गई। कल दिनांक को मुखबिर की सूचना पर कि अवैध हथियार जो है तो एक सिकलीगर वहाँ लेकर खड़ा है अपने स्टेडियम मैदान नवलपुरा धुलकोट में, इसकी सूचना जो है वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और बाद फोर्स को और पंचानों के साथ ले जाकर घेराबंदी कर सिकलीगर को पकड़ा गया। उसका नाम रमेश पिता चतर सिंह निवासी बुरहानपुर का होना बताया, जिसकी निशादेही से एक पिस्टल जब्त किया। बाद उसके निशादेही से पिस्टल बनाने की सामग्री और आदि चीज और 3 आधे पिस्टल और 2 छुरे आदि सामग्री जब्त किया और बाद थाने लेकर आया और कार्रवाई की गई। 25 आर्मशीट पर पूछताछ जारी है। आज उसको न्यायालय पेश किया गया। खबर भारतवर्ष के लिए भगवानपुरा खरगोन से राहुल मालवीय की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।